वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरूमा। आज की वीडियो में हमने स्टार्ट किया है एनिमल फार्म के एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज़ हु रोट एनिमल फार्म। ऑप्शंस हमारे पास हैं शेक्सपियर, मिल्टन, आरवेल, रसल एंड द राइट ऑप्शन इज़ आरवेल। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एनिमल फार्म वॉज पब्लिश्ड। ऑप्शन हैं 1935, 1940, 1945, 1950 एंड द राइट आंसर इज 1945। नेक्स्ट वन, हु वॉज द ओनर ऑफ द फार्म। मिस्टर जोन्स, मिस्टर स्नोबॉल, मिस्टर जेम्स या मिस्टर मेनर एंड द राइट ऑप्शन इज मिस्टर जोन्स। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द फार्म। ऑप्शन हमारे पास हैं मैंगो फार्म, ग्रेप्स फार्म, मेनर फार्म या चार्ली फार्म, और राइट ऑप्शन है हमारे पास मेनर फार्म। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु डिस्क्राइब्ड हिज ड्रीम वेयर एनिमल्स विल लिव फ्रीली। ऑप्शन हैं बॉक्सर, स्टालिन, ओल्ड मेजर या मिस्टर जोन्स, और इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास मिस ओल्ड मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ओल्ड मेजर इन द स्टोरी। स्टोरी में ओल्ड मेजर क्या है। मेजर इन आर्मी, आ हॉर्स, आ पिजन, आ पिग। तो ओल्ड मेजर जो हमारे पास है इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है आ पिग। तो पिग जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास, मेनर फार्म इज रीनेम्ड एज। फर्स्ट वन इसका नाम मेनर फार्म था और बाद में वो कहता है इसका नाम क्या रख दिया गया था। हॉर्स फार्म, पिग्स फार्म, ह्यूमन फार्म, एनिमल फार्म एंड द राइट ऑप्शन इज एनिमल फार्म। मिस्टर जोन्स एंड हिज फेलोज रिटर्न टू एनिमल फार्म एंड मेक अ बैटल टू रीटेक इट। हु वन दिस बैटल। ऑप्शन हमारे पास मिस्टर जोन्स, एनिमल्स, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो ये वाली जो बैटल थी जब मिस्टर जोन्स और उसके दोस्त वापस आके फार्म लेने के लिए लड़े, तो ये वाली जो जंग थी ये जानवर जीत चुके थे। इसका नाम इसलिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एनिमल्स। आफ्टर दैट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैटल फाउट बिटवीन एनिमल्स एंड मिस्टर जोन्स। यानी मिस्टर जोन्स और जानवरों के दरमियान जो जंग लड़ी गई, जो कि जानवरों ने जीत ली थी, उस जंग को एक नाम दिया गया था। स्पेसिफिकली क्या था उसका नाम क्या था। कोल्ड वार, स्मॉल बैटल, द बैटल ऑफ द कोशेट, एनिमलिज्म। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है द बैटल ऑफ कोशेट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है, कहता है हु गेव द फिलॉसफी ऑफ एनिमलिज्म। एनिमलिज्म की जो फिलॉसफी थी वो किसने दी थी। बॉक्सर, जोन्स, स्नोबॉल, ओल्ड मेजर। इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है ओल्ड मेजर। उसके बाद नेक्स्ट है, ओल्ड मेजर टीच अ सॉन्ग टू एनिमल्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सॉन्ग। यानी ओल्ड मेजर ने एक सॉन्ग भी सिखाया था, उस सॉन्ग का नाम क्या रखा गया था। नेशनल सॉन्ग, वार सॉन्ग, लव सॉन्ग या बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। आफ्टर दैट, स्नोबॉल एंड नेपोलियन वर डैश। स्नोबॉल और नेपोलियन क्या थे। हॉर्सेस, डंकीज, म्यूल्स या पिग्स। इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास पिग्स। ये जो स्नोबॉल और नेपोलियन थे ये दोनों पिग्स थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज द माउथ पीस ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का माउथ पीस कौन था। बॉक्सर, क्लोवर, मौली,
स्क्विलर, इसका राइट आंसर हमारे पास लास्ट वन है, स्क्विलर, ये भी एक पिग था। बॉक्सर वर्क्ड हार्ड टू बिल्ड द विंड मिल, ही वॉज आ, यानी जो विंड मिल उन्होंने बनानी थी उसके लिए सबसे ज़्यादा जिसने हार्ड वर्क की थी, मेहनत की थी, वो बॉक्सर था। तो बॉक्सर बेसिकली जानवरों की कौन सी कैटेगरी से, कौन सी स्पेशी से था? पिग, म्यूल, एलिफेंट, हॉर्स, और इसका राइट ऑप्शन भी हमारे पास है हॉर्स। आफ्टर कोलैप्सिंग फ्रॉम एग्जॉशन व्हाट वाज द ट्रीटमेंट विद बॉक्सर, तो बॉक्सर के साथ उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया था, क्या सलूक किया था? सेंट फॉर रेस्ट, गॉट एक्सपेंसिव फूड, सोल्ड टू ग्लू बॉयलर, या नन, इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है सोल्ड टू ग्लू बॉयलर, यानी जब वो काम करने के काबिल नहीं रहा था तो उसको ग्लू बॉयलर को दे दिया, बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया। और वहाँ पे फार्म के अंदर ये बताया गया था कि उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास भेजा गया है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, और ट्रीटमेंट के बाद वो वापस आएगा, लेकिन बाद में ये शो कर दिया गया कि उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है जिसकी वजह से हम उसको वापस नहीं ला सकते। और फिर वहाँ पे उसके नाम से एक बाकायदा डे सेलिब्रेट किया गया था, और उस डे पे एंजॉय करने के लिए बेसिकली जो वहाँ से उसको सेल करने से पैसे मिले थे उन पैसों की शराब खरीद कर वहाँ पे लाई गई और उसको एंजॉय किया था पिग्स ने। और बाकी जानवर जो थे उनको तो पता ही नहीं था, उनको तो हमेशा धोखे में रखा गया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है हु वाज बेंजामिन, बेंजामिन क्या था? एन एलिफेंट, अ पिग, अ मेयर, अ डंकी। तो बेंजामिन जो है वो बेसिकली एक डंकी का नाम था। वो कंटिन्यूसली सेट दिस लाइन, डंकीज लिव अ लॉन्ग टाइम, तो ये लाइन कौन बार बार बोला करते थे? बेंजामिन, क्लोवर, बॉक्सर, नेपोलियन, तो ये वाली जो लाइन है ये हमेशा बेंजामिन ही रिपीट किया करता था। हु टेल्स द स्टोरीज ऑफ पैराडाइज टू एनिमल्स, एनिमल्स को पैराडाइज की स्टोरीज कौन सुनाया करता था? डंकी, बेंजामिन, मोसेस, या हॉर्स? राइट ऑप्शन है हमारे पास मोसेस। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में वो कहते हैं ब्लूबेल, जैसी एंड पिंचर वर डैश, ये हॉर्सेस थे, पिग्स थे, गोट्स थी, डॉग्स थे, इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है डॉग्स, तो ये डॉग्स थे। उसके बाद मेरे पास है एमसीक्यूज नंबर 20, हाउ मैनी पपीज वर देयर इन द स्टोरी, स्टोरी में कितने पपीज थे? 6, 7, 8 या 9, तो राइट ऑप्शन है हमारे पास 9। तो ये तो थे हमारे 20 एमसीक्यूज जो हमने इस नावल से सिलेक्ट किए हैं, चूज किए हैं, और ये एक पूरी सीरीज़ आगे चलती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हर चैप्टर से तरतीब वाइज एमसीक्यू लेकर वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई तब्दीली की जा सकती है, इसको बेहतर किया जा सकता है, तो वो भी आपकी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वाली वीडियोस नेक्स्ट टाइम भी लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो जो है तब तक आने का वेट कीजिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।